सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डेविड मैन डॉन बैक अगेन विद न्यू वीडियो। नथिंग कैन स्टॉप मी, आई एम ऑल द वे। ओके सो फाइनली गाइस बहुत टाइम बाद लाइक आई नो बहुत सॉरी एक्चुअली एक अंकल आ गए तो एनीवेज छोड़ो वो या एक और बार मैं इंट्रो खराब कर दिया। ओके ऑलराइट सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डॉन बैक अगेन विद न्यू वीडियो। बहुत टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अलग फील हो रहा है मेरे को। मैं लिटरली मैं थोड़ा बहुत कि मैं सोच रहा था लाइक मैं वीडियोस कैसे शूट करता हूँ एंड ऑल एंड ये सेकंड टेक है मेरा। लाइक मैं सेकंड टेक कभी लेता नहीं बट ये क्या पता ये सेकंड टेक है मेरा। सब मेरे को वापस से सीखना होगा तो ठीक है। बाय द वे अभी एक अंकल आ गए थे, मेरे को पता नहीं, मैं नहीं जानता उनसे कौन थे बट उन्होंने कहा कि आपके पास कैमरा है क्या, मेरे को फोटोज क्लिक करना है। बोला मेरा तो आपसे उनके पास आईफोन 12 था एंड वो मेरा कैमरा मांग रहे थे। मेरे को लगा यार उनको लगा मेरे पास कैमरा है इसके लिए वो रुके थे। सो एनीवेज थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ कोई नहीं बट या सबसे पहले मेरे को बताओ आप सब लोग कैसे हो कमेंट सेक्शन में, आपकी क्या अपडेट ड्रॉप करो राइट। एंड आई नो आप लोगों को एक कॉमन क्वेश्चन होगा अभी वेयर वॉज आई सिंस दिस लॉन्ग बिकॉज मेरा कहाँ पे भी मैं नहीं था, लाइक सब जगह से मैं डिसअपियर हो चुका था एंड क्या रीज़न था इसके पीछे एंड ऑल सब। सो मेरे को पता है आप लोग यही सोच रहे होंगे तो यस ये वीडियो मैंने उसके लिए ही बनाया हूँ। सो सबसे पहले तो आप देख कर आ जाओ कि लाइक मैं इतने टाइम से क्या कर रहा था, मैं कहाँ पे था। स्टार्ट नो ऑफलाइन एग्जाम्स Emotional damage. Okay, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। कैंसल ऑफलाइन एग्जाम ये सब बोल बोल के पूरा ट्विटर पे भी ट्रेंड हो गया था। ये प्रोटेस्ट हुए पेपर छोड़ के इधर आए, पेपर क्यों ले रहे हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन पेपर लेना मांगते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट तक केस चला गया था बट उन्होंने सुना तक नहीं एंड सारी मेहनत पानी में चली गई। एंड फाइनली जिस चीज़ का हमें इंतज़ार नहीं था वही हुआ। यस ऑफलाइन एग्जाम्स वर बैक आफ्टर 2 ईयर्स फर्स्ट टाइम, वो भी पूरा साल ऑनलाइन लेकर। देन वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अवर सेल्फ, लाइक जितना भी थोड़ा बहुत टाइम जितना बचा था उसमें हम जितना कर सकते थे वी स्टार्टेड ट्राइंग नाउ। देखते ही देखते जो डे वॉज हियर एंड कल मेरी थी एग्ज़ाम एंड आई वॉज फीलिंग लाइक ए वॉरियर, लाइक मैं कुछ जंग पे जा रहा हूँ ऐसा मेरे को फील हो रहा था। कॉज रात से ही कॉल आने चालू हो गए थे एंड द डे अराइव, तो हमने कैब बुक की एंड आवर ड्राइवर वॉज सलमान खान। यस फर्स्ट एग्ज़ाम आफ्टर कोविड, लाइक ऐसा लग रहा था मैं फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। एंड यह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी फर्स्ट डे एंड एट द वेरी फर्स्ट डे मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा कॉलेज बट आई कम्प्लीटेड माई होल एग्ज़ाम। एंड देन हमें पता चलता है क्वेश्चन पेपर वो थोड़ा बहुत रॉन्ग एंड उसमें थोड़े बहुत मिस्टेक्स थे। दिस वॉज शोइंग दैट कि नॉट ओनली स्टूडेंट्स दे वेर ऑल्सो नॉट रेडी फॉर द एग्ज़ाम। एट द वेरी फर्स्ट पेपर ऐसा होता है, इट वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। क्लाइमैक्स अभी बाकी। डिसीजन वो लोग ये बता रहे थे कि 1 मार्क्स की लॉटरी, लाइक 1 मार्क्स की लॉटरी। अच्छा 1 मार्क आता सर सकट दिला जा। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। देन फिर आगे और ऐसे एग्जाम्स होते गए एंड इट वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्स में रॉन्ग क्वेश्चंस आए एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हुई एंड कोई भी कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा था कहीं पे भी, लाइक जैसा जो बोला था वैसे एग्जैक्ट नहीं हो रहा था। देन फिर एक और चीज़ें हुई लाइक जैसे कि चीटिंग हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई ऐसे जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, लाइक जो एक ऑनेस्टली पेपर जो दे रहा था उसके लिए। एंड जैसे कि हमने ना चाहते हुए भी एग्ज़ाम दिया
वो भी इतने सारे चीज़ें होते हुए भी, लाइक ये सब बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हुआ एंड इतने सारे चीज़ें होने के बाद भी, एंड जैसे जैसे एग्ज़ाम्स हो गए एंड दे दिया कैसे भी, लाइक थोड़ा फ्री हो गए उसके बाद। ओके सो होप आप लोगों ने देखा कि लाइक कैसा था एंड ऑल, लाइक क्या सिचुएशन थी इतने टाइम से। ये चीज़ बोल के कोई मतलब नहीं है, बट आई गेस मेरे को ये बोलना चाहिए क्योंकि एक्चुअली मैंने उस वो चीज़ को ज़्यादा पॉइंट हाईलाइट किया मैंने, चीटिंग हुई ये सब। जिन्होंने ऑनेस्टली पेपर लिखा उनका तो क्या, उनके लिए बहुत अनफेयर चीज़ हो गया ये सब बातें। एक्चुअली मेरे को बोलना नहीं है, लाइक इतना सब हो गया एंड ऑल, इस सब के बारे में मेरे को नहीं बात करना था, बट फिर भी मेरे को लगा ये पॉइंट एक ऐड करना चाहिए बिकॉज ये बात बहुत ज़रूरी थी। एंड बस बाकी ख़त्म, ये बात को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। लास्टली एक चीज़ बोलूँगा, जस्ट 2 मिनट साइलेंस फॉर दोज हु रिटन पेपर ऑनेस्टली, लाइक हमारे जैसे। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वॉज नॉट फनी। मेरे को फोकस ही नहीं कर रहा है, डोंट नो व्हाई। सो यस अभी परफेक्ट फोकस हुआ, परफेक्ट। अभी 2 सेकंड में चली जाएगा, देखो अभी वो नहीं गया, बेटर। ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। बस मैं लाइन बाय लाइन एक एक आपको लाइक क्लियर आउट करके जाता हूँ, थोड़ा बहुत जितना भी मैं कर सकता। क्या रीज़न था मेरा इंस्टाग्राम से डिलीट करना, अकाउंट डिलीट करना एंड सब जगह, नहीं मैंने गुस्से में किया सब कुछ जो भी किया एंड बहुत थोड़ा मैं यू नो मेरे को ब्रेक भी चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं। एग्ज़ाम्स इज वॉज द मेन रीज़न एंड एग्ज़ाम्स के थ्रू ये सब कुछ लिंक्ड है बिकॉज आपको जैसे कि मैंने बोला था कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया था, सो इन फ्यूचर का भी मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या था वो एंड ऑल सब डिटेल में। जो प्रोजेक्ट था जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड जनवरी फेबररी और मार्च ये 3 महीने शूट्स के लिए थे, लाइक ये 3 महीने में कभी भी हो सकता है एंड मोस्टली वो लोग ने जैन एंड फेब का दिया था। जनवरी एंड फेबररी तक ऑलमोस्ट लाइक ऑलमोस्ट शूट कम्प्लीट हो जाएगा एंड मार्च का तो इतना कुछ ये नहीं था, बट हमने ऑलरेडी उनको बोल के रखा था लाइक ये डेट्स पे एग्ज़ाम है एंड ऑल, तो कुछ इशू नहीं था उस चीज़ का। सो जनवरी निकल गया एंड देन उनका कुछ जनवरी में हुआ नहीं बिकॉज कोविड वगैरह का सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिले चल रहा था वो। उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि फेब में कैसे ना कैसे करके हो ही जाएगा, बट फेब में भी फिर पता नहीं उनका क्या हुआ, हुआ ही नहीं शूट। देन आई वॉज लाइक कि होगा अभी मार्च में, लाइक उनको मैंने डेट्स दिया है तो ऑफकोर्स वो कुछ डेट्स के हिसाब से कुछ करेंगे, बट वो जो प्रोजेक्ट था उसमें बहुत बड़े स्टार कास्ट थे। मार्च में भी होने वाला था, तभी भी मैंने थोड़ा बहुत मैंने होप्स था कि होगा करके, बट एक रात पहले उन्होंने मेरा रिप्लेसमेंट कर लिया एंड ऑल सब, बट मेरे को उस चीज़ का ज़्यादा कुछ ये नहीं, मैंने लीव कर दिया। बट एक और मेन रीज़न इसको ही लिंक है कि क्या पता है कि मैंने ये शूट के लिए जो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था, सो मैंने क्या किया, एक सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था सो मैंने क्या किया कि एक मेरा एक और एक एड शूट था जो कि एक फेमस क्रिकेटर के साथ था। मैं एक्चुअली वो एड शूट में जो थे हेयर्स जो थे ऐसा ज़ीरो कट करने थे इतने तो मैं रेडी हो गया था, बट मेरे जो मेन जो प्रोजेक्ट था मेरा जो होने वाला था शूट उसमें मेरे बाल बड़े थे, सो मैंने सोचा कि नहीं मेरे बाल बढ़ेंगे नहीं, मैंने उनसे भी कंफर्म किया बिकॉज मेरा लुक टेस्ट वगैरह हो चुका था उसके लिए, तो मैंने नहीं किए वो, मैंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। तो देन जब भी वो चीज़ हुआ मेरे को लगा कि यार ना ये हुआ ना वो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, दोनों नहीं हुआ। देन वो सीन के बाद मैं इंस्टाग्राम वगैरह सब मैंने गुस्से में उसी रात को मैंने डिलीट कर दिया था, मैंने कुछ कहा पे भी कुछ किसको बोला तक नहीं, लाइक मैंने किसको इन्फॉर्म भी नहीं किया, मैंने सीधा डिलीट कर दिया सारे जितने भी मेरे सोशल मीडिया थे, स्नैप, और बहुत सारे रीज़न थे। वीडियोज़ नहीं आने का, वीडियोज़ नहीं आ रहे थे ऐसा नहीं है, मेरे 2 वीडियोज़ मेरे रेडी थे एंड एक वीडियो बहुत ज़्यादा बॉम्ब वीडियो था वो वाला, लाइक अगर वो वीडियो एकदम लाइक बोलते हैं ना सुपर हिट कॉन्टेंट बोलते हैं ना वैसा वाला, इट्स लाइक लिटिल बिट कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो टाइप, तो मैंने जो इंस्टाग्राम पे पूछा था वो वाला, सो एनीवेज वो गया, उसका कुछ ये नहीं था। बट एक और मैंने जो था उसके लिए मैंने लाइक फुल रेडी करके रखा था, लाइक जो मैंने सब में एक लिख के मैं इस पर लिख के रखता हूँ, तो मैंने वहाँ पर लाइक लिख के रखा था मेरा जो क्या कैसे करना सब, मैंने
सीन बाय सीन सब एकदम सोच के रखा था, लाइक वो कोई व्लॉग वगैरह नहीं था, एकदम डिफरेंट वीडियो, तो वो भी हो नहीं पाया। तो मैं थोड़ा सोचा, एंड यूट्यूब से मेरा ये फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम नहीं है मेरा, ये मेरा थर्ड या फोर्थ टाइम है कि लाइक मैं जब भी कुछ ऐसा अलग सोचने जाता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ तो है ना एक कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तभी मैंने लास्ट वीडियो दो महीने पहले डाला था। सो मैंने सोचा यूट्यूब इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज मेरे एग्जाम थे, इट वॉज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम। सो मैंने यूट्यूब वगैरह तो साइड में, एंड बाकी लाइक हज़ार अपॉर्चुनिटी आते जाते रहेंगे, सो उसका कोई इशू नहीं था। बट आप लोगों को मैंने बताया कि लाइक मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ एक अनफेयर डिसीजन, एक के कितना अपॉर्चुनिटीज लाइक क्या बोल, एक अनफेयर डिसीजन पूरे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अभी आई होप आपको पता चल गया होगा, यानी ये चीज़ मेरे को बताना नहीं था, बट मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ। जिन लोगों को जानना था रीज़न, बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे, लाइक मेरे को वही चीज़ पूछोगे, मैं वही चीज़ आप दस लोगों को मैं एक ही चीज़ बार बार बताऊँगा, बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी इरीटेटिंग है एंड आप लोगों के लिए भी। सो गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड रेगुलर अभी कॉन्टेंट्स आएंगे, मचाना है अभी हमें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, भी बहुत कुछ अलग करने वाले हम लोग एंड बहुत कुछ डिफरेंट करने वाले। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, मैनी मैनी मोर टू कम एंड यस, लेट्स इट।